आज पिंडाटार पंचायत में तमाम प्रतिनिधियों का मुखिया से मुखिया लेकर के तमाम वार्ड सदस्य का शपथ ग्रहण सर्वप्रथम में किया गया, शांतिपूर्वक से हुआ और 13 वार्डों में से गुप्त मतदान के देकर उप मुखिया का चयन किया, जिसमें आज महावीर साहब 8 वोट से जीते हैं और शांतिपूर्वक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जीत के बाद इस बार क्या से निकल गए पंचायत में? उप मुखिया जीत जाने से आज पूरे पंचायत में पूरे वार्ड सदस्य को लेकर फिर हम लोग बैठक कर रहे हैं और योजनाओं का जो है प्रक्रिया उसका रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और सबका मिलजुल करके विकास किया जाएगा। मेरा नाम महावीर साहब, ग्राम प्रतापपुर, उप मुखिया से जीते हुए हैं, वार्ड सदस्य पहले जीते थे और अभी भी जीते हैं। आप मुखिया आज मेरा मिला है और क्या रहेगा क्षेत्र का विकास का? क्षेत्र का विकास यही रहेगा, जो भी आएगा हम लोग मिलजुल करके मतलब मुखिया जी से काम करने का काम करेंगे। सब वार्ड सदस्य 13 वार्ड सदस्य पूरे पंचायत के विकास करूँगा मिलजुल करके हम लोग। वाले तिलोड़ी पे अब मुखिया और सभी वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण कराया गया और जिसमें हम लोगों ने यह प्रण लिया कि विधि सम्मत जो भी हमारे जो कार्य रहेगा जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है उसको हम लोग बिल्कुल निष्ठापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे और सर्वसम्मति से सभी वार्ड सदस्यों के सहयोग से निर्विरोध उप मुखिया अब्दुल कुदूस अंसारी साहब को चुना गया। और हमने पूरे जिले में एक संदेश देने का काम किया है कि जिस तरह से एकमत होकर के उप मुखिया को बनाया गया उस तरह से हम एकमत होकर के पूरी जनता के प्रति 5 साल समर्पित रहेंगे और उनके विकास कार्य और उनके दुख सुख में हम लोग खड़े रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके माध्यम चैनल के माध्यम से हम उपस्थित यहाँ तमाम गणमान्य लोगों को और तमाम वार्ड सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सब पर हम पर विश्वास किया और मैं अपने विश्वास पर खरा उतरते हुए ये आश्वासन देता हूँ कि 5 साल तक हम सब मिलजुल करके मुखिया जी के साथ विकास के कार्यों में साथ देंगे और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। का यहाँ निर्वाचन होना था उसमें विधिवत तरीके से ठकेंद्र कुमार दास जी का मुखिया पद के लिए निर्वाचन किया गया। कितने लोग जो प्रत्याशी थे उसमें ठकेंद्र नाथ दास का कि हम मुखिया के दावेदार हमारे वार्ड सदस्य जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हमको चुने गए और जितने भी काम होगा तो मिलजुल के सारा काम से।